जय गुरु जी की मैं 1995 में मैं गुरु जी को मिली थी मिली थी तो गुरु जी के वहाँ पर जब गई मैं तो गुरु जी कहते हैं किस वस्ते आई हैं तो मैं क्या गुरु जी मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है चार जगह पे हड्डियाँ जुड़ गई हैं और मैं बहुत लंगड़ा के चलती थी और ज़मीन पे तो बैठ ही नहीं सकती थी तो गुरु जी ने कहा चल तेरी ठीक कर देने गुरु जी ने मेरा वो ठीक कर दिया पर मेरे को बहुत डर था कि मैं जमीन पे वहाँ जाके कैसे बैठूँगी जी के गुरुजी गुरु जी बैठते थे मैं अपने साथ गद्दियाँ लेके जाती थी तो गुरु जी ने कहा कल तो गद्दियाँ नहीं लेके आनी पर मेरे को डर कहाँ मेरा घर कहाँ गुरु जी मैं नहीं बैठ सकूँगी तो मैंने एक लिफाफे में वो पॉलिथीन में डाल ली गद्दियाँ और उसके ऊपर तौलिया रख दिया और मैं गुरुजी के पास चली गई गुरु फिर कहते के कह ना गद्दियाँ नहीं लेके आनियाँ फिर तू गदियाँ ले आई बड़ा बड़ा समझ नहीं आया भाई किसने बताया गुरुजी को पॉलीथीन में है मैंने इनको पूछा कि आपने बताया कहते नहीं मैं क्यों बताऊंगा फिर अगले दिन फिर वही मैं गद्दियाँ एक और लिफाफा और उसके ऊपर चढ़ा के भी पता न चले फिर गुरुजी कहते हैं फिर तीसरी बार मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ तू जाएंगी यहाँ तेरी गद्दियाँ जानूँगी तो मैं गद्दी ले गई मैं क्या मैं गाड़ी में रख देती हूँ नहीं बैठा जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी मैं वहाँ गई तो मैं तीन घंटे गुरु जी के चरणों में वहाँ बैठी रही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं आप देखो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं चल फिर सकती हूँ मैं ज़मीन पे भी बैठ जाती हूँ पर आजकल ज़रा ये है घुटनों में प्रॉब्लम है उसकी वजह बैक की प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी ने मेरा ये ठीक किया उसके बाद गुरु जी दुकान पे आए कहते हैं तू ना दुकान रोज जाएगा मैं कहा गुरु जी मेरा वहाँ पर क्या काम मुझे तो कुछ समझ नहीं आती दुकान कहते तेनू कह तू दुकान जा मैं दुकान पे जाना शुरू कर दिया हम नीचे बैठते थे गद्दे पीछे हुए तो आपको पता ही है कि दुकानों पे मांगने वाले बहुत आते हैं तो गुरु जी आए होंगे मुझे क्या पता मैं कहा जा बाबा माफ़ कर गुरु जी नहीं मत चले गए उसके बाद फिर मैं कह रोज रोज कौन आ जाते हैं एक बार गुरुजी आए तो ऐसे ही अपने इस बेस में नहीं आते थे गुरुजी आए तो आके कहते चेंज चाहिए हमने चेंज क्या करना है हमारे तो कोई काम का नहीं पर गुरु ने जो आदमी आया था उसने बोला अपने नौकर को भेजो सामने बैंक था पंजाब नेशनल वो वहाँ चला गया नौकर ने पैसे इनको दिए जो आदमी था तो वो अंदर चला गया बैंक में उसके बाद आया ही नहीं वो तो बड़ी देर खड़ा रहा गार्ड को पूछा गार्ड ने कहा कि बैंक तो करो ना बंद हो गया इतने तो कोई आदमी है ही नहीं तब वो थे पैसे छ हज़ार चार सौ रुपये ये नाइन्टी फाइव की बात कर रही हूँ बड़ा आ गया वापस करना आज तो वो आदमी हमें धोखा दे गया चलो चुप करके शाम को गुरु जी के पास जी के में गए गुरु जी ने को कहा गुरु जी कहते चल तेरे कष्ट कट्टे मेरे को तो इस चीज़ की समझ नहीं आई एक नुकसान हो गया ऊपर से गुरु जी कह रहे हैं कष्ट कट्टे है बड़े ही अजीब लगा पर उस टाइम हम नए नए थे हमें कोई इतना विश्वास नहीं था अब तो हम मानते हैं गुरु जी हमारे भगवान हैं उसके बाद वो छः हजार चार सौ चले गए उसके बाद गुरुजी फिर आए आके ना दुकान पे गेट में खड़े हो गए और इतना लंबा आदमी था कि उसके जो बाल थे वो गेट के साथ टच कर रहे थे और इतना मोटा रस्सी बांधी हुई यहाँ पर बड़ा मैं कुछ नहीं कहा ना उस आदमी ने कुछ मांगा उसने ये खड़ा हो गया मैं कह जा बाबा माफ़ कर वो नहीं गया क्योंकि उस टाइम ये पैसे गिन रहे थे कहीं से पेमेंट आई थी मैंने कहा आज फिर ना चली जाए फिर वो आदमी फिर खड़ा रहा हाँ नौकर कहते बिल्कुल बोले शंकर लग रहे है। दे दो मैंने दो रुपए बस ऐसे हाथ डाला गुरुजी को वो वो नौकर को बोला कि दिया वो देने गया आदमी गैब हो गया बड़ी अजीब लगा उसने हमारी दुकान ना फर्स्ट फ्लोर पे तो वो बाहर गया और गार्ड को बोला है एक आदमी आया कहते इतना बड़ा आदमी आता तो नजर ना आता कोई नहीं गया वो जो आदमी आया था वो गेट पे ही पैदा हुआ गेट से ही गायब हो गया तो वो नीचे तक गया और देखा कोई नहीं है वापस आया दो रुपये मेरे को दे दिए पर्स में डाले शाम को गुरुजी के पास फिर गए <coughs> गुरुजी गुरुजी आज ये मैं इतना ही बोला तो गुरु जी कहते हाँ, हाँ। दो रुपए और मैं तेरे दो रुपए का भुखा हो गुरु जी दो के लिए तो और आप थे कहते हो तेन पता नहीं चल रहा मैं दुकान मैं गुरु जी आप आओ दुकान पे इस वेश में आओ फिर मुझे क्या पता चलेगा कि आप हो कौन है कभी कभी तो बहुत ही गलत बात बोल देते हैं गुरु जी कहते हैं आवांगा तो इस तरह ही आऊँ बड़ा मतलब आते कभी आके मेरे को एक कड़ा दे गए गुरु जी कभी आते माला जपने के लिए दे जाते मेरे को ये नहीं समझ आता ये कौन है गुरु जी कहते मैं आना तो पहचान दी गू नहीं मैं कह गुरु जी आप आते हो थोड़ा सा इशारा कर दो मेरे को कि मैं गुरु हाँ तो मैं देखो आपकी कितनी खातिर करूँगी हम तो करोलबाग में मार्केट में बैठे हुए हैं गुरु जी कहने ना आवांगा तो ऐसा ही फिर तो मैं अगर सारे सुनाने लगी तो फिर तो बहुत टाइम चाहिए मैं थोड़े से सुना देती हूँ मेरी आँख में शुगर आ गया गुरु जी ने मैं के, सब डॉक्टरों को दिखाया फिर मेरे को किसी ने कहा गंगाराम में जाओ वहाँ गई उन्हें क्या शुगर आ गई ऑपरेशन कराना पड़ेगा आप टाइम बता दो कौन से दिन को कराना मैं गुरुजी के पास गई मेरे को ये था कि मैं गुरुजी को पूछे भी ना तो कुछ नहीं कराऊंगी वो कहता है आँख आपकी क्या है आपने मैं क्या मैं अपने हस्बैंड से सलाह कर लूँ कहता आँख आप की है, को मैं क्या फिर भी पूछना तो बनता है ना मेरा मतलब था कि मैं गुरुजी के पास गई मैं गुरु गुरुजी डॉक्टर ये कह रहा है क्या परवाह ना कर ऑपरेशन ना कराई अगर कराया तो तू अन्नी हो जाएंगी तेन दिखना ही बंद हो जाएगा बड़ा मैं तो तब तो गुरुजी के पूरा विश्वास था गुरु ने मेरे को इतना कहा कहना तब ना लोग माला चढ़ाते थे गुरुजी के आगे तो गुरु जी ने नंबर बताया इस नंबर की माला उठा मेरे को दे मैंने माला दी और गुरु जी ने मंत्र पढ़ के मेरे को दे दी घर जाके जा इस पानी इसको पानी में डाल के नहा लेना तो ठीक हो जाएगी और आँखा पे छिट्टे मारें मैंने वो ही किया आज इतने साल हो गए मैं बिल्कुल ठीक हूँ वो शुगर कहाँ आँख में गई पता नहीं मैं बिल्कुल ठीक गुरु जी की गुरु जी फिर चले गए जलंधर उसके बाद चंडीगढ़ तो बड़ा मन नहीं लगता था बहुत रोती थी मैं फोटो के आ गए मैं जलंधर गई गुरु जी क्या आंटी तो मेरी फोटो अगे बहुत रोंदी है तू तो रोया ना कर तू तो खुश रहा कर मैं हर तेरे नाल हाँ मैं तेरे अंदर हाँ तू तो कभी अपने आप ना ना समझी गुरु जी मैं जब भी पाठ करती कंधे पे कोई ऐसे जोर से दबा देता कभी मेरे सिर पे मेरे को समझ नहीं आती ये कौन मतलब पीछे से दीवार है और ये कौन मेरे को करता है तो गुरु जी को मैंने कहा गुरु जी का अंतर पता नहीं चल रहा मैं आना तेन तो नजर नहीं है मैं गुरु जी नजर तो आते ही नहीं आप कहना मैं तेरे अंदर जो बात होगी गुरु जी के जाने के बाद मेरे को बहुत बहुत अकेलापन बहुत रोती थी गुरु मैंने सुबह उठना हमारे कमरे के साथ ही मंदिर बनाया हुआ था उसको और कोई रास्ता नहीं था सिर्फ बेडरूम से ही था मैं उसमें जाके बैठ जाती और एक शीशी में पिस्ता और बादाम डाले हुए गुरुजी को जाके कह रहा हूँ गुरु गुड मॉर्निंग सारी कथा सुना नहीं अपनी दुकान की एक दिन पहले की गुरु जी आज ये हुआ वो हुआ सब फिर मैं बाद में कहना बादाम खाओगे कि पिस्ता खाओगे तो अपने आप ही दो चुप उठाने शीशी में से और गुरु जी को भोग लगा के एक आप खा लेना एक मैं अपने हस्बैंड को दे देना ये किस्सा काफी महीने चलता है एक बार मैं जंधर में गई गुरु जी कहने आ मीरा आंटी गुड मॉर्निंग मैंने कहा रात का टाइम है और गुरु जी कहते हैं गुड मॉर्निंग चलो गुरु जी से क्या मतलब बोलना चुप ठीक है गुरु जी कही गल है रोज मैं बदाम पिस्से बड़े खोनी है मैं गुरु जी मैं तो वहाँ करती हूँ कैन सब पता है गुरुआन बदम नहीं गुरुआन फुल चढ़ाए दे तब से और अब मैं गुरुजी को फूल ही चढ़ाती हूँ फिर गुरुजी चंडीगढ़ आए हम गए चंडीगढ़ वहाँ जाके रात को आठ नौ बजे पहुँचे और गुरुजी जी दो बजे कह रहे चल मेरी आंटी दिल्ली वापस बड़ा अजीब लगना वापस आ गए उस टाइम ना चंडीगढ़ के पास हम वो कोई ब्रिज बन रहा था ठीक हो रहा था हम रास्ते हमें तो एक ही तरफ़ से आता था हम वाया पंचकुल्ला होकर चंडीगढ़ चले उस टाइम तो सुबह थी मतलब रोशनी थी गुरु जी के पास गए तो रात को गुरु जी बता चल दिल्ली वापस हम वापस आने लगे तो हमें रास्ता ही नहीं पता हम पंचकुल्ले से रास्ते में लोगों किससे पूछें? आधी दो बजे हुए रात के कोई नज़र नहीं आ रहा था कुछ नहीं कोई लाइट नहीं कुछ नहीं हम कहीं ये ना हो कि सुबह तक हम कहीं पता नहीं कहाँ पहुँच जाए कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ कुछ नहीं लगा हुआ आगे खेत में थे लाइट आई छोटी छोटी दो वो बिल्कुल मेरे पास आ गई गाड़ी के बिल्कुल साथ उतने आके पास आके कहा हमने कहा भी हाईवे कहाँ पर पड़ेगा हम कहाँ पर हैं इस पता नहीं वो कहते हैं तेरह किलोमीटर सिद्धा तेरे जाओ तेरह किलोमीटर हमने कहा ऐसे ही है। जैसे हम आगे आए तो साइनबोर्ड पे लिखा हुआ था तेरह किलोमीटर। हम तो बड़े हैरान हो गए फिर हम वापस वहाँ पर हाईवे पर पहुँच गए वहाँ पर पहुँचे तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये आदमी कौन था मोटरसाइकिल पे दो आदमी थे वाइट कपड़ों में और वाइट दाढ़ी इतनी बड़ी एक चारा था एक पीछे था फिर उसने फिर पास आया शीशा के ऐसे से किया कितने जाना मैं मैंने कहा हम तो हाईवे का रास्ता पूछे उसने कहा सीधा सीधा चले जाओ वो मेरी मदर इन लाव मेरे साथ थी उन्होंने कहा ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੱਟੂ ਜੀ ਤੜਦੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿੰਨ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ। गुरु जी कहने आ मेरा आंटी फिर उस दिन की होया थी। रस्ता भूल गई थी मैं हाँ गुरु जी वो आप थे कहने होर की तू मैं याद कितना मैं आ गया मतलब कि गुरु जी इतना ज़्यादा हमें जिस वक्त याद करो गुरु जी